किसी भी एड्रेस पे एटीएम कार्ड मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल मोबाइल में रजिस्टर्ड तो करना ही है, लेकिन बहुत ही कोई का सवाल था कि सर हम किसी भी एड्रेस पे मंगा सकते हैं, मान लीजिए हम दूसरी जगह रहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिया गया है चेंज एड्रेस पे क्लिक करके, यहाँ जो है ये देख सकते हैं मेरा कार्ड ऑलरेडी अप्लाई है, वैसे मैं अप्लाई नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आपको कार्ड वेरियंट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन खुलेंगे कस्टमर रेसिडेंट और होम ब्रांच। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा होम ब्रांच में अगर ले लेते हैं काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि होम ब्रांच में जल्दी रिसीव होता है और कस्टमर रेसिडेंट एड्रेस पे इंडियन पोस्ट के जरिए आएगा आपके घर के पते पर, या जो भी आपके एड्रेस दिए हैं या अपडेट चेंज किए हैं तो उस एड्रेस पे आने का समय 3 से 4 महीने लगता है, किसी किसी का 6 महीने भी लग जाता है, क्योंकि ये जो है मुंबई के हेड ब्रांच से भेजा जाता है और मुंबई से हेड आपके घर तक पहुँचने में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट काम है, इसमें 3 से 4 महीने भी लगते हैं, क्योंकि ये जो काम छुट्टियों मतलब रविवार शनिवार छोड़ के उसके बाद कई जगह छुट्टी होती है पूजा फेस्टिवल, तो इस कारण जो है बहुत समय लग जाता है। सिंपली मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, दार्जिलिंग होम टाउन का एड्रेस देता हूँ, रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुल, उसके बाद हमारे फ़ोन पे एक OTP भेजा जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर OTP भेजा जाता है, उस पर OTP लिखने के बाद हमारा रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम किसी भी एड्रेस पे मंगा सकते हैं सिंपली। उसके बाद हमें यहाँ देख सकते हैं OTP देने के साथ ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे जो है TRN पासपोर्ट यानी कि ट्रांजैक्शन पासपोर्ट देने के साथ हमारा सक्सेसफुली ATM कार्ड अप्लाई भी हो जाएगा, और जिस एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं उस ATM या 2-3 दिन बाद हमें ATM का मैसेज भी मिल जाएगा कि हमारा ATM कार्ड इशू हो चुका है और हमारे एड्रेस की तरफ निकल चुका है। लेकिन हमें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रॉब्लम है कि वो जो है हमें ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड नहीं करती, ये जो है मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर रहने से ट्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल हो कमेंट में कीजिए।